वेलकम बैक टू माय चैनल मनशास रेसिपी। आज हम सीखेंगे कैसे मैरिनेशन किए बिना बिरयानी को ऑथेंटिक बिरयानी जैसा टेस्ट आता है, राइस को प्री कुक किए बिना बिरयानी कैसे ज़्यादा फ्लेवरफुल और खिली खिली बनेंगी, एग्जैक्ट कितना पानी का मेजरमेंट होना चाहिए एक परफेक्ट बिरयानी के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बिरयानी भी ऑथेंटिक टेस्ट आए तो बाकी मसालों के साथ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज की मटन बिरयानी की रेसिपी बिगनर्स और बैचलर के लिए है। आज आप सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से मटन बिरयानी रेसिपी बनाना एग्जैक्ट मेजरमेंट और मेथड के साथ, तो बिना स्किप किए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 kg लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को 3-4 बार अच्छे से धो लें, 45 मिनट्स के लिए भिगा लें। पानी का लेवल 2 इंच तक ऊपर ही रखें ताकि हमारे चावल अच्छे से भीग जाए। चलिए अब बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। 4 प्याज लिए मैंने, 2 मीडियम साइज़ के और 2 बड़े हैं। ये टोटल 250 ग्राम है। आप इस एक जैसा स्लाइड्स में कट कर लें इस तरह से और इसे हाथ से मसल कर खोल लें। यह मीडियम तीखी हरी मिर्च है, 25 से 30 ले या आप आपके स्वाद के अनुसार ले। इतनी क्वांटिटी से मीडियम स्पाइसी बनेगी बिरयानी। अब ग्राइंडर में 1 बड़ी गांठ छिला हुआ लहसुन ले, 1.5 इंच अदरक का कटा हुआ टुकड़ा डालें। यह 1/2 कप पुदीना है, इसमें से 1/2 यूज़ करेंगे अभी और 1/2 हम बाद में यूज़ करेंगे। 1/2 कप हरा धनिया डालें और हरी मिर्च डालेंगे, बीच से कट करके डालें। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इस तरह से हमें बारीक पीस लेना है। इस तरह का गाढ़ा होना चाहिए पेस्ट, पतला नहीं चाहिए हमें। अब ये केसर दूध है, इसे केसर को मैंने पहले ही गर्म दूध में भिगा कर रख दिया था। इसी दूध में 1 टीस्पून से थोड़ा कम केवड़ा वाटर डालेंगे। इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कम ही डालूंगी। आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं और 1 टीस्पून इसमें ये सादा गुलाब जल डालकर इसे पहले ही मिक्स करके रख देंगे। अब एक प्रेशर कुकर में हम 1/2 कप ऑयल लेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप चाहे तो पूरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है बिरयानी। अब इसे अच्छे से गरम कर लें। गरम होते ही हम इसमें ये जो स्लाइड्स किए हुए प्याज है वह डालेंगे और फुल फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज डालते ही हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज जल्दी अपना मॉइस्चर छोड़ेंगे और जल्दी ही फ्राई हो जाएंगे। लगातार चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। देखिए कितनी जल्दी मॉइस्चर छोड़ दिया है प्याज ने। अब प्याज का रंग बदलना शुरू हो गया है। जब प्याज इस तरह से दिखने लगे तभी फ्लेम ऑफ कर दें और कुछ समय के लिए और इसमें से 1/2 प्याज निकाल लें और अलग रख दें। थोड़ी देर बाद यह पूरी तरह से ब्राउन हो जाएंगे क्योंकि ये खुद ही अपनी हीट में पक जाएंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। फ्लेम ऑन कर दें अभी। अब इसमें 4 से 5 तेज पत्ता डालें। ये 3 बड़ी इलायची है, 1 कर्नफुल है, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालें। ये 1 जायफल है तोड़कर डालें। ये 7-8 हरी इलायची और 1/2 टीस्पून लौंग डालें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून शाही जीरा डालें इसमें और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखें अभी। अब इसमें पिसा हुआ मसाला जाएगा जो हमने अदरक लहसुन हरा धनिया मिर्च और पुदीना का पिसा था। 4 टेबलस्पून डालें इसमें और अच्छे से भून लें इसे भी। जब ग्रीन पेस्ट अच्छे से भून जाए इस तरह से दिखने लगे तब फ्लेम स्लो कर दें। अब कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है या आप आपके स्वाद के अनुसार डालें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून होल मिक्स स्पाइस डालें और यह 1/2 टीस्पून भुनी हुई और क्रश की हुई कसूरी मेथी है वह डालेंगे और अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक भून लें। 1 मिनट बाद 1 kg मटन डालें, इसे मैंने पहले ही धोकर रखा था अच्छे से। 1/2 कप फेटा हुआ दही डालें और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून केसर का दूध डालें ताकि मटन में भी केसर का फ्लेवर आ जाए अच्छे से और 1/2 टीस्पून नमक डालकर मिला लेंगे इसे अच्छे से। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते, आपके पास ना हो तो ना डालें, आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह, बट हो तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है बिरयानी में। और 5 मिनट के लिए इन्हीं मसालों में पकने दें, बीच में एक बार चला लेंगे। 5 मिनट बाद 1 गिलास पानी डालें। मटन भी अपना खुद का पानी छोड़ेगा और दही भी है इसमें, इतना काफ़ी है मटन पकने के लिए। अच्छे से मिक्स कर ले सारी चीज़ों को आपस में। अब इसे अच्छे से मिलाकर हम प्रेशर कुक करते हैं। फुल फ्लेम पर 5 विसल आने तक पकाएं। मटन को 80% तक ही पकाना है। अगर आपके प्रेशर कुकर में कम विसल पर ही मटन पक गए तो उस हिसाब से आपको मटन को 80% तक पकाना है। ये आपके कुकर पर डिपेंड करता है। जब तक मटन पकता है तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यह 1/2 कप तली हुई प्याज है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को लंबाई में कट कर ले। यह 1/2 कप में से बचे हुए पुदीना के पत्ते और यह 1/2 कप हरा धनिया ले।
इन चारों इंग्रेडिएंट को एक साथ मिला ले ताकि डालते समय कोई गड़बड़ ना हो। एक एक कर डालने में समय लगता है। 5 विसल होने के बाद प्रेशर ख़त्म होने पर ही कुकर को खोलें। मटन पकने के बाद भी काफ़ी पानी बचा हुआ है, मटन पीस को चेक कर लेते हैं। यह देखिए मटन पक गया है, बट थोड़ा सख्ती है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए मटन। जब मटन सारे मसालों में पक जाता है तो वैसे ही मटन में सारे फ्लेवर चले जाते हैं, इसलिए हमें मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लेम स्लो रखें और चेक कर लें मटन की यह जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी कितनी है। स्पैचुला से सारे मटन के पीस एक तरफ कर लें और पानी को मेजर कर लें। यह लगभग 1 लीटर पानी है। अगर नहीं समझ आए तो मेजर कर लें ग्लास या मेजरिंग कप से। अगर कम यकनी हो तो रिक्वायर क्वांटिटी के लिए पानी की क्वांटिटी बढ़ा लें। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 1 किलो चावल के लिए आपको यकनी और पानी मिलाकर टोटल 1.5 लीटर की क्वांटिटी होनी चाहिए। अब इसमें और 2 कप पानी डालें और अच्छे से उबाल आने दें 4 से 5 मिनट तक। अब नमक डालें। 1 kg मटन प्लस 1 kg राइस के लिए टोटल 6 टीस्पून नमक पड़ता है, बट हमने 1/2 टीस्पून प्याज तलते हुए डाला था और मटन पकाते समय 1.5 टीस्पून नमक डाला। टोटल 2 टीस्पून नमक डाल चुके हैं। अब इसमें 4 टीस्पून नमक और जाएगा। नमक डालकर चला लें। हमने जो तली हुई प्याज, हरा धनिया, अदरक और पुदीना का मिक्स तैयार करके रखा था वह डालेंगे। उसका 1/4 पार्ट डालेंगे यखनी में। मटन यखनी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब यह भीगे हुए चावल डाल दें। मैंने चावल को पहले ही छलनी में निकाल के रख दिया था ताकि उसका पानी पूरा निकल जाए। इसे बिल्कुल भी ना चलाएं वरना चावल टूट जाएंगे। हल्के से चावल को इवनली स्प्रेड करें इस तरह से। जब राइस मटन यखनी में पकेंगे तो बिरयानी राइस और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल होंगी और हमारी मटन बिरयानी भी। अब चावल के ऊपर यह केसर दूध केवड़ा रोज़ वाटर का मिक्स डालें। साथ ही बरिस्ता हरा धनिया पुदीना और अदरक का मिक्सचर डालेंगे और ऊपर से 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डालें। 1 किलो मटन और 1 किलो चावल की बिरयानी 7 लीटर के प्रेशर कुकर में आराम से बन जाती है। अब लीड लगाकर स्लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक बिरयानी को पकाएं। ध्यान रहे प्रेशर कुकर में दम देते वक्त विसल नहीं आनी चाहिए। 1/2 घंटा हो जाने के बाद कुकर का सारा प्रेशर निकलने के बाद ही हम कुकर को ओपन करेंगे। यह देखिए चावल कैसे खिले खिले पके हैं। एक एक दाना अलग अलग है, चलिए चेक कर लेते हैं इसे हाथ से दबाकर। एक दाना ले उसे दबाकर देखिए, देखिए कितना परफेक्टली कुक हुआ है। ऐसे ही होनी चाहिए बेस्ट मटन बिरयानी। थोड़े से चावल अलग निकाल कर आप कलर मिला लें और उसे सर्व करते हुए ऊपर से डालिए। लीजिए तैयार है एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म मटन बिरयानी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ और कमेंट्स में बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिले, फ्री मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।